वहीं श्री केदारनाथ धाम में रविवार गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास के प्रारंभ की शुभ बेला पर सभी संत समाज द्वारा पूजा अर्चना किया गया, साथ ही यज्ञ कर समस्त विश्व के मानव कल्याण की सुख समृद्धि तथा शांति हेतु प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि हिमालय की गोद में विराजमान विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में संत समाज द्वारा हवन यज्ञ करते हुए बाबा केदार से प्रार्थना की, जिसमें बड़े संख्या में संत समाज के अलावा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तीर्थ पुरोहित भी शामिल हुए। साथ ही भंडारा लगाकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज बहुत ही बड़ा दिन हमारे सनातन धर्म के अंदर, आज व्यास पूर्णिमा है जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और जीवन के अंदर हम जो भी कुछ सीखते हैं गुरु के चरणों में आकर ही सीखते हैं। न कुछ हमने हंस के सीखा है, न कुछ हमने रो के सीखा है, जो कुछ भी हमने सीखा है गुरु चरणों में आके सीखा है। बाबा केदारनाथ धाम के यहाँ से समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। भगवान से हम मंगल कामना करते हैं कि सभी लोग प्रेम से सद्भाव एकात्मता के साथ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। हिमालय से निकलने वाली माँ गंगा का यह प्राकृतिक स्थान और बाबा केदार की यह पवित्रतम और श्रेष्ठतम धरती, श्रावण मास का यह पवित्र अवसर और गुरु पूर्णिमा से जो हमारा श्रावण मास प्रारंभ होने जाता है, पूरे भारतवर्ष में सभी संत समाज आज से ही श्रावण को स्वीकार करते हुए भगवान शिव की विशेष आराधना, जो 12 महीने में शिव आराधना के लिए श्रावण मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो किसी भी व्रत का पालन न कर सके वह श्रावण के व्रत का पालन करके अपने जीवन को उस मोक्ष और कल्याण के निकट तक पहुंचा सकता है। सेवा और साधना की श्रेष्ठतम भूमि से आप सभी को वंदन अभिनंदन। बाबा केदार की जय। ओम नमः पार्वती पते हर।